फ्लटर एनिमेशंस। अब एनिमेशंस को फ्लटर में किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनिमेशंस का बेसिक रूल जो रहता है वो समझना होगा कि एनिमेशंस वर्क कैसे करते हैं। तो जब भी एनिमेशन वर्ड आता है ना, तो आपके सामने फ्रेम्स वर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी एनिमेशन जो रहता है ना, वो फ्रेम्स की मदद से काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरो का एनिमेशन ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक से वो वाइट कलर में फिल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट फ्रेम में वो पहला एरो फिल हुआ, फिर सेकेंड एरो, फिर थर्ड एरो, फिर फोर्थ एरो, इस तरीके से वो फ्रेम बाय फ्रेम फिल कर रहा है एरोस को। सिमिलरली हम कोई भी वॉकिंग एनिमेशन देखते हैं, तो पहले वो एक स्टेप लेता है, फिर दूसरा स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप। तो ये जो स्टेप्स है ना, इसी को ही फ्रेम्स कहा जाता है, ठीक है, एनिमेशंस की दुनिया में। अब ये जो फ्रेम्स है, इसको हैंडल करने के लिए फ्लटर में एक क्लास प्रोवाइडेड है, जिसका नाम है सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग, ठीक है। इस क्लास में ही आपको बहुत सारी वैल्यूज रहती है, जिसकी मदद से हम एनिमेशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फ्रेम्स को जो भी फ्रेम्स को मैनेज करने के लिए वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ लगती है ना, वो इस क्लास में प्रोवाइडेड है। अब आपको मोबाइल ऐप में कहीं पे भी एनिमेशन ऐड करना है, तो आपको ये विजेट यूज़ करना होता है, जिसका नाम है एनिमेटेड बिल्डर। इसमें आप एनिमेशन प्रॉपर्टी में एनिमेशन कंट्रोलर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, वो आपको असाइन करना होता है। और ओपेसिटी वैल्यू, जैसे आपको लाइट से डार्क वहाँ पे विजिबल एनिमेशन इफेक्ट दिखाना है, तो वो ओपेसिटी विजेट से आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल डेमो हम अभी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्लटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पर क्रिएट किए हुए हैं। तो आप उसे ज़रूर देखें, और फ्लटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब गाइस चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि फ्लटर एनिमेशंस को कैसे मैनेज करें और किस तरीके से हम उसको कोड में लिखते हैं, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि किस तरीके से आप एनिमेशंस को ऐड करते हैं अपने फ्लटर मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डेमो दे देता हूँ कि जो हमने ग्रिड व्यू क्रिएट किए थे ना पिछले एपिसोड्स में, उसी ग्रिड व्यू में हम किस तरीके से एनिमेशन ऐड करते हैं। तो इस तरीके का आउटपुट कुछ वो डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं रीलोड कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो यहाँ पे आप एक एनिमेशन इफ़ेक्ट देख रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हमने जो यहाँ पे एक होम स्क्रीन स्टेट क्रिएट किया था ना, यहाँ पे आपको एक क्लास ऐड करना होता है, जिसका नाम हमने देखे सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया इंट्रो में कि कोई भी एनिमेशन जो हैपन होता है ना हमारे मोबाइल ऐप में, वो एक फ्रेम्स के थ्रू होता है। तो ये सारी फ्रेम्स का जो भी चीज़ें हैं, वो ये क्लास हैंडल करती है, ठीक है। अब इसमें हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसको मैं बोलूँगा एनिमेशन कंट्रोलर, ठीक है। एनिमेशन कंट्रोलर हम उसे कहेंगे, उसका एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। और एक हमें एनिमेशन वैल्यू लगेगी, तो उसको हम डबल टाइप दे देंगे, एनिमेशन, ठीक है। जब भी हमारा ऐप लोड होगा, तो हमें वो एनिमेशन को लोड करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन कंट्रोलर यहाँ पे हम असाइन कर देंगे कि उसके ड्यूरेशन, मतलब कितने स्पीड में हमको वो चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्यूरेशन दे दिया उसको कि इतने मिली सेकेंड्स में इफ़ेक्ट होना चाहिए 500 में, ठीक है। और इसको हम असाइन कर देंगे इस एनिमेशन कंट्रोलर में जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। देखिए इसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में vsync एक रिक्वायर्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करना होता है vsync दिस। तो इस तरीके से ये एनिमेशन कंट्रोलर को आप असाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम एक एनिमेशन की वैल्यू भी असाइन कर देंगे, ट्विन, हम बोलेंगे बिगिन एट 0.0 एंड एंड एट 1.0, और इसको हम एनिमेट करेंगे किसके कंट्रोलर के थ्रू, इस कंट्रोलर के थ्रू, और इसको मैं डबल वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। और इस लाइन से वो एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे एनिमेशन कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिट स्टेट का जो भी इनिशियलाइजेशन पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया। अब एक डिस्पोज भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं डिस्पोज मेथड में, कि जब वो एनिमेशन हैपन नहीं हो रहा है, तो वो रिसोर्सेज को
फ्री कर दे, तो उसके लिए आपको बस एक लाइन लिखना होता है, एनिमेशन कंट्रोलर डॉट डिस्पोज, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें एनिमेशन किस पे क्रिएट करना है, जैसे ही ये जो ग्रिड व्यू के ये जो कार्ड्स हमने लोड किए थे, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये ग्रिड व्यू, फ्लटर ग्रिड व्यू वाला मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा है पिछला एपिसोड, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके क्लिक करने पे हमने वीडियो प्लेयर भी यहाँ पे ओपन किए थे, लिस्ट वगैरह भी क्रिएट किए थे, राइट। तो वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, और इसमें हमने एडमिन वाला पार्ट भी कवर किया था, जिसमें हमने फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं, इमेजेस को अलॉन्ग विद डेटा, वो सब चीज़ें भी इसमें कवर की थी, तो ज़रूर वो वीडियो को वॉच करें। ठीक है, अब इसमें जब ये कार्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू क्रिएट किया था और एक चिल्ड्रन में हमने यहाँ पे कार्ड्स क्रिएट किए थे, राइट। तो अब इसके अंदर हमको एनिमेशन ऐड करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे हम करेंगे एनिमेटेड बिल्डर, या फिर आप इसको इस तरीके से रैप भी कर सकते हैं, जैसे रैप विथ विजेट एनिमेटेड बिल्डर। ठीक है, अब एनिमेटेड बिल्डर में हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होगी कि कौन सा एनिमेशन कंट्रोलर हम यूज़ करने वाले हैं, और उसमें जो हम बिल्डर डिफाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉमा चाइल्ड, और इसमें हम ओपेसिटी का एक एनिमेशन ऐड करेंगे कि जैसे ही स्क्रीन लोड होगी तो ओपेसिटी मतलब पहले ज़ीरो वैल्यू रहेगी, राइट, थोड़ा सा फेंट दिखेगा, फिर और थोड़ा उसकी फेंट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर फेंट वैल्यू थोड़ी डार्क होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक डार्क वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये एक वैल्यू है, एनिमेशन इस तरीके से ही हैपन होते हैं, फिर ये दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम उसका लाइट होते जाएगा, राइट, वैसे ही और लाइट, फिर वो दिखेगा भी नहीं, इस तरीके से एनिमेशन इफ़ेक्ट में होगा। तो पहले उसकी वैल्यू कम रहेगी, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरीके से वो एनिमेशन हैपन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ओपेसिटी एक विजेट लगता है, जिसमें हम डिफाइन करेंगे एक एनिमेशन डॉट वैल्यू, जो हमने ऊपर लिया था ट्वीन के मदद से, और यहाँ पे उसमें हम चाइल्ड ऐड करेंगे कि किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हुए, तो हम बोलेंगे ट्रांसलेट ऑफसेट, और ऑफसेट में हम डिफाइन करेंगे, इसमें दो वैल्यूज़ ऐड करनी होती है, एक्स और वाई। ठीक है, तो मैं ज़ीरो और बोलूँगा वन माइनस जो भी एनिमेशन की वैल्यू है उसमें, मतलब कहाँ से एनिमेशन शुरू करना है, जैसे कि यहाँ से शुरू करना है कि कहाँ से, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 200 दे दिया तो वो नीचे से थोड़ा डिफाइन करेगा, राइट, अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया तो थोड़ा ऊपर से एनिमेशन इफेक्ट हैपन होगा। अब इसको मैं डेमो में आपको शो करूँगा किस तरीके से ये दिखता है, इसको अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन बहुत नीचे से हो रहा है, तो वो वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ 200 के बजाय, इसको रिलोड करते हैं ऐप को, तो आप देख सकते हैं एनिमेशन यहाँ से कहीं से शुरू हुआ। वही अगर मैं यहाँ पे 300 दे देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि एनिमेशन यहाँ पे कहाँ से हैपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। और ये जो आप कलर इफ़ेक्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये फेंट से डार्क हो रहा है, राइट, तो उसमें क्या, ये ओपेसिटी आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप फ्लटर में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करने पर कुछ स्लाइडिंग इफ़ेक्ट आपको ऐड करना है, या फिर आपको नीचे से कोई बॉक्स ओपन करना है, अलर्ट बॉक्स, तो उसके लिए एनिमेशन कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए था, जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, कि सिंगल टिकर प्रोवाइडर इस क्लास की मदद से हम एनिमेशंस को हैंडल करते हैं फ्लटर में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिफ़ाइन की, एक कंट्रोलर और एक एनिमेशन की वैल्यू। ठीक है, अब इनिट स्टेट में हमने इनिशियलाइज कर दिया, जितने भी फास्ट, मतलब कितना फास्ट हमें एनिमेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्पोज में जब भी एनिमेशन हैपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए रिसोर्सेज जो भी है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली हमने जो कार्ड्स ग्रिड व्यू के लिए हमने क्रिएट किए थे, उसमें हमने एक एनिमेटेड बिल्डर ऐड किया, और उसमें डिफ़ाइन कर दिया कि इस कंट्रोलर की मदद से एनिमेशन होगा, और उसमें जो भी इफ़ेक्ट हमें दिखाना है वो हम ओपेसिटी की मदद से यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डेमो फ्लटर एनिमेशंस का।
आई होप कि आपको फ्लटर एनिमेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो चुके होंगे, किस तरीके से फ्लटर एनिमेशन को ऐड किया जाता है हमारे फ्लटर ऐप में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइए थ्रू कमेंट्स। कमेंट में ज़रूर लिखे कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकूं। और इस फ्लटर सीरीज़ को हमें साथ में कंप्लीट करना है, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूं, जैसे अभी फ्लटर फ्लेम इंजिन, जिसकी मदद से हम गेम्स क्रिएट करेंगे फ्लटर में, उस सीरीज़ पर भी मैं अभी वर्क कर रहा हूं, तो वो चीज़ें भी अभी अपलोड हो जाएगी इस चैनल पर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।